गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, मैं हूं जितेंद्र कुमार मिश्रा केपी इनोवेशन क्लासेस से। आज हम जो बात करेंगे इस वीडियो के माध्यम से, देखते हैं कि बहुत सारे एग्जाम्स ऐसे होते हैं जिसमें भारत में अनेक राज्यों में होने वाले नृत्य यानी कि गान, अगर कहें नृत्य संगीत, उनके बारे में अगर हम बात करते हैं तो उसमें आता है अलग अलग राज्य में अलग अलग तरह के, अलग अलग राज्य में अलग अलग तरह के संगीत तथा नृत्य होते रहते हैं। तो भारत में होने वाले अनेक प्रकार के नृत्यों का जो एक समूह है, अगर कहें तो अलग अलग राज्य में जिस प्रकार से होता है, तो उसके बारे में हम इस वीडियो के माध्यम से चर्चा करेंगे। ठीक है, तो आइए हम देखते हैं राज्य एवं उनके प्रमुख लोक नृत्य। राज्य एवं उनके प्रमुख लोक नृत्य के बारे में बात करते हैं। किसके बारे में बात करते हैं? लोक नृत्य के बारे में। तो हम पहला देखते हैं मध्य प्रदेश। क्या देखते हैं? पहला मध्य प्रदेश। और मध्य प्रदेश में दो नृत्य पाए जाते हैं या दो नृत्य बेसिकली होते हैं, जिनमें पहला पड़वानी तथा दूसरा गणगौर, जिसे घनघोर कहा जाता है। गणगौर होता है जिसे क्या कहते हैं? घनघोर। क्या कहते हैं? घनघोर। घनघोर की पूजा जो होती है बेसिकली आपका मध्य प्रदेश में होता है, मध्य प्रदेश में होता है। प्राचीन समय में राजा और रानी इस पूजा को बहुत ही विधि विधान और सही तरीके से किया करते थे, बहुत ही विधि विधान और सही तरीके से किया करते थे, सही तरीके से क्या करते थे? किया करते थे इस घनघोर पूजा नृत्य को। ठीक है, लेकिन बाद में क्या हुआ कि इसकी प्रथा उसी प्रकार जैसे प्राचीन समय में थी, उसी प्रकार यह प्रथा आगे की तरफ चलती हुई चली गई। क्या हुई? चलती हुई चली गई। यानी कि मध्य प्रदेश में दो नृत्य होते हैं, पहला पड़वानी और दूसरा घनघोर नृत्य होता है। असम, असम में बिहू, बिहू अर्थात बहू। ठीक है, बहू यानी कि अगर हम शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से इसको हम याद रखेंगे तो असम, असम यानी कि असम में चाय पत्ती का उत्पादन ज्यादा होता है। तो वहां पर आपने देखा होगा कि वहां की जो महिलाएं होती हैं अपने सर के ऊपर बास्केट अर्थात टोकरी लेकर के चाय की पत्तियों को निकाल करके बढ़िया से उनको लेकर के आती हैं, तो उनके सर पे घूंघट लगा होता है। ठीक है, जो हमारे भारतीय समाज में उनको क्या कहा जाता है? बहू कहा जाता है, बहू। अर्थात तो हम कह सकते हैं कि असम का जो नृत्य है उसका नाम क्या है? बिहू, बिहू नाम है। ठीक है, उसके बाद उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश में बेसिकली सब लोग क्या कहते हैं कि काओ, बहुत बड़ा तुम नौटंकी होएगे बाट्या, इस तरीके से ऐसे यहाँ की बोलचाल की भाषा में लोग कहते हैं। तो उत्तर प्रदेश का जो नृत्य है वह है नौटंकी। कौन सा नृत्य है? नौटंकी। यानी कि उत्तर प्रदेश की अगर हम नृत्य की बात करते हैं तो उत्तर प्रदेश का नृत्य कौन सा है? नौटंकी। उसके बाद गुजरात, 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 गुजरात का जो नृत्य है वो है गरबा। क्या है? गरबा। गरबा लोग खेलते हैं डांडिया के तरीके से, ऐसे होता है जो मथुरा और वृंदावन में बेसिकली देखा जाता है कि डांडिया उत्तर प्रदेश के मथुरा वृंदावन में खेला जाता है बहुत ज्यादा। ठीक है, तो जब हम राज्य पढ़ेंगे उस राज्य के अंतर्गत होने वाले किस किस जिले में किस तरह का नृत्य होता है, तो उस तरह जब हम बात करें तो एक एक राज्यों को पढ़ेंगे। अभी हम किस राज्य के अंतर्गत कौन सा नृत्य आता है वो बेसिकली उस राज्य को बताता है कि यह इस तरह का राज्य है, इसके बारे में पहले हम ये जानकारी प्राप्त करेंगे। ठीक है, तो गुजरात में कौन सा नृत्य होता है? गरबा नृत्य। कौन सा नृत्य? गरबा। कर्नाटक, कर्नाटक में यक्षगान, यक्षगान नृत्य होता है। यक्ष और यक्षिणी की कथा आप लोगों ने बहुत पहले सुनी होगी प्राचीन समय में, महाभारत के समय में, कि सारे लोग जलाशय की तरफ जाते हैं पांचों पांडवों में से, तो युधिष्ठिर उसका जवाब देते हैं, जो कि क्लास फोर्थ या फिफ्थ के आसपास उसी में एक चैप्टर भी है यक्ष। ठीक है, उसका नाम ही है यक्ष।
ठीक है। तो यक्ष जो है उनसे प्रश्न करता है कि पृथ्वी से बड़ी सॉरी हाँ आकाश से भी ऊंचा और पृथ्वी से बड़ी किसका स्थान है। इस तरह से इसके बारे में बात होती है। तो कर्नाटक में यक्षगान नृत्य होता है और पंजाब में भांगड़ा और गिद्दा। पंजाब में तो हर कोई जानता है कि भांगड़ा नृत्य होता है, लेकिन वहाँ एक और नृत्य होता है जिसे गिद्दा कहा जाता है। पंजाब का भांगड़ा बहुत ही फेमस है। राजस्थान अगर कहा जाए तो लोक नृत्य का एक बहुत बड़ा उदाहरण है। इसमें तीन तरह के नृत्य होते हैं, कालबेलिया, घूमर और तेरह ताली। कालबेलिया, घूमर और तेरह ताली, ये तीन नृत्य वहाँ के बहुत ही फेमस है। उसके बाद अगला है महाराष्ट्र में लावड़ी और तमाशा दो बहुत ही मुख्य नृत्य के रूप में जाने जाते हैं, लावड़ी और तमाशा, ठीक है। उत्तराखंड में दो नृत्य होते हैं, कजरी और छौलिया। कजरी और छौलिया क्या होते हैं, बेसिकली कजरी और छौलिया दो नृत्य होते हैं जो उत्तराखंड के अंतर्गत होते हैं। और जम्मू कश्मीर में भी दो पाए जाते हैं जिनका नाम है कूद और दंडी नाच। आप लोगों ने देखा होगा कि पहले के समय में छोटे बच्चे क्या करते थे कि छोटी सी उसको नदिया लेते थे, नदिया समझते हैं आप लोग, नदिया क्या होता है, पहले के समय में खपड़ेला घर हुआ करता था ना, जो बांस वांस लगा करके बकायदा उसका पेड़ की टहनी वहनी काट करके बढ़िया से बकायदा छप्पड़ के मकान उस तरीके से बनाए जाते थे नरिया के तरीके से, और उनको नरिया या खपड़ा बोलते थे। उसी खपड़े का चिपनी बना करके इतना बड़ा सा गोल का वो लोग पहले बचपन के समय में खेलते थे। आप लोग भी खेले होंगे ऐसा नहीं है, ठीक है। तो उसमें कूद और दंडी नाच जम्मू कश्मीर में होता है। हिमाचल प्रदेश की अगर हम बात करें तो हिमाचल प्रदेश में दो नृत्य तीन होते हैं, छपेली दागी और थाली। हिमाचल प्रदेश में साप्ताहिक के माध्यम से आप याद कर सकते हैं छतदी, या कह सकते हैं छ द था, यानी कि छपेली दागी थाली, ठीक है। बिहार का जो सबसे लोक नृत्य है वो है छऊ, विदेशिया और जाट जतिन। छऊ, विदेशिया और जाट जतिन बिहार के सबसे प्रसिद्ध और लोक नृत्य है, छऊ, विदेशिया और जाट जतिन, ठीक है। अब उसके बाद आगे आते हैं केरल में कथकली मोहिनी अट्टम दो नृत्य यहाँ के बहुत ही प्रसिद्ध है। कथकली यहाँ पर बहुत ज्यादा प्रसिद्ध है कर्नाटक में, जो कि कथकली डांस आज के समय में अगर नृत्य कहा जाए तो एक सांस्कृतिक नृत्य है। क्या है? सांस्कृतिक नृत्य है। जैसे अगर हम भारत की बात करें तो भारत की बेसिकली सांस्कृतिक राजधानी जो है वह बनारस को बनाया गया है, ठीक है। भारत की सांस्कृतिक राजधानी क्या है? बनारस, ठीक है। तो लोक नृत्य के मामले में बनारस बहुत ही आगे है, क्योंकि वहां का पान बहुत फेमस है, खाई के पान बनारस वाला। आप लोगों ने गाना भी सुना होगा अमिताभ बच्चन का। केरल के दो नृत्य हैं जिनको कथकली और मोहिनी अट्टम कहा जाता है। इसके बाद अगला नागालैंड के लीम और छोग दो सबसे प्रसिद्ध नृत्य हैं जो नागालैंड के लोग करते हैं, ठीक है। उसके बाद पश्चिम बंगाल में ढाली और छाऊ दो सबसे प्रसिद्ध लोक नृत्य है, ढाली और छाऊ। उसके बाद अगला है गोवा में मंदी और ढकनी दो नृत्य हैं जो बेसिकली वहाँ के बारे में जाने जाते हैं, गोवा के बारे में मंदी और ढकनी। उसके बाद है आंध्र प्रदेश में कुचिपुड़ी, यानी कि अंधा भी टो करके बता देगा कि यह पूड़ी क्या है, कच्ची है, आंध्र प्रदेश की कुचिपुड़ी। उसके बाद झारखंड में विदेशिया और छऊ। अगर हम विदेशिया की बात करें तो विदेशिया देख रहे हैं हम दो जगह में कॉमन है, एक बिहार में
विदेशिया, और उसके बाद एक झारखंड में विदेशिया और छौ, विदेशिया और छौ, दो जगह ये विदेशिया नृत्य जो है कॉमन है। उसके बाद अगला है उड़ीसा, उड़ीसा में उड़ीसी और घूमरा, उड़ीसी और घूमरा दो नृत्य पाए जाते हैं, यानी कि दो नृत्य जो है इनमें देखे जाते हैं, वहाँ के लोग जो करते हैं, ठीक है, ये इनका पारंपरिक नृत्य है। उसके बाद अगला है छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ में पंथी नृत्य पाया जाता है, जो संत समाज करते हैं उनको पंथी नृत्य कहा जाता है, और वहाँ के भी प्रकार से ये नृत्य इस तरह के होते हैं। तो आज हमने जो देखा ये अनेक प्रकार के जो अनेक अनेक राज्यों में अनेक अनेक तरह के नृत्य होते हैं उनके बारे में हम लोगों ने जाना। बेसिकली भारत देश में पहला कहाँ पर जाना हम लोगों ने, मध्य प्रदेश, पड़वानी और गणगौर, असम में बिहू, उत्तर प्रदेश में नौटंकी, गुजरात में गरबा, कर्नाटक में यक्षगान, पंजाब में भांगड़ा और गिद्दा, राजस्थान में कलबेरिया, घूमर, तेरह ताली, महाराष्ट्र में लावड़ी, तमाशा, उत्तराखंड में कजरी, छौलिया, जम्मू काश्मीर में कूद और दांडिया नाच, हिमाचल प्रदेश में छपेली, दागी और धाली, बिहार में छऊ, बेदसिया और जाट जतिन। केरल की तरफ हम देखते हैं तो केरल में कथकली, मोहिनी अट्टम, नागालैंड में लीम, दोच, छोग, पश्चिमी बंगाल में ढाली और छऊ, गोवा में मंदी और ढकनी, आंध्र प्रदेश में कुचिपुड़ी, झारखंड में बेदसिया छऊ, उड़ीसा में उड़िया और घूमर, छत्तीसगढ़ में पंथी नृत्य, छत्तीसगढ़ में पंथी नृत्य। तो यहाँ हम लोगों ने अनेक राज्यों में होने वाले उनके नृत्य के बारे में आज हम लोगों ने पढ़ा, ठीक है। अब इसके बारे में जब हम बात करेंगे तो किस राज्य को किस व्यक्ति ने बसाया या बनाया, इसके बारे में हम अगले वीडियो के ऊपर चर्चा करेंगे, ठीक है। तब तक के लिए आप सभी को थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक अगले एग्जाम के लिए जो आने वाले हैं, ठीक है। जैसे कि एडमिट कार्ड अभी DRDO का आ चुका है जिनमें कुछ टेक्निकल डिग्री के साथ है, उसके बाद फिर आपके अगर हम और एग्जाम्स की बात करते हैं तो इनमें अभी आने वाले आपके जो एग्जाम्स हैं वो टेट हैं, सीटेट हैं, सीटेट का जो एडमिट कार्ड इसमें आ चुका तत्काल में वो एग्जाम्स होने वाला है, उसके बाद आपका PGT है, ठीक है, इन सारी चीज़ों में, उसके बाद सीपेट का एग्जाम्स भी भरने के दो एक महीना रह गया है, उसको भी भरना होगा आप लोगों को, फिर उसके बाद जो अभी बेसिकली CHSL का एग्जाम्स आया, CHSL का जो फॉर्म भरवाया जा रहा है उसके लिए, तो इन सारे एग्जाम्स के लिए ये क्या है आपके पैटर्न के तौर पर बहुत ही बेहतर है और आप इनसे बहुत ही अच्छे तरीके से तैयारियां कर सकते हैं। यहाँ से जो क्वेश्चंस पुटअप होंगे, कहाँ से कौन सा नृत्य आता है, कहाँ से किस तरह का कौन सा, हर तरीके से देखा गया है, तो ये सारे के सारे आपके लिखे गए हैं इस बोर्ड पर और उनको आप लोगों को समझाया गया है कि किस तरह से कैसे क्या है। और भी ऐसे वीडियोस के लिए हमारे चैनल से आप लोग जुड़ें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक।